दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का पीएम ने किया उद्घाटन। 3.5 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से जयपुर का सफर। 2024 में पूरा होगा मुंबई तक का एक्सप्रेसवे। ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती कार्यक्रम का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। विधि विधान से किया महायज्ञ। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा महर्षि दयानंद ने वेदों के बोध को पुनर्जीवित किया। स्वामी दयानंद जी और उनका आदर्श था कृणवंतो विश्वमार्यम, अर्थात हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाए। जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन मंच पर बड़ा हंगामा। अरशद मंदरी के बयान पर दूसरे धर्मगुरुओं ने जताई कड़ी नाराजगी। जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि मंच छोड़कर उतरे। जो मद्दी साहब का वक्तव्य हुआ हम कोई उससे सहमत नहीं है, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। त्रिपुरा के गोमती पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में की पूजा अर्चना। चांदीपुर में की विजय संकल्प रैली। त्रिपुरा में रोड शो का भी कार्यक्रम। एपल डबल ट्रबल से बचना है तो डबल इंजन सरकार लानी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पूर्वास्थली काली मंदिर में की पूजा। वर्तमान में बड़ी रैली करके टीएमसी पर किया हमला। आज का जो जंगल राज है, जो अपशासन है, जो शासन नाम की कोई चीज नहीं है, उसको बंगाल की जनता अलविदा कहने वाली है। और सीरिया पहुंची भारतीय मदद की 7वीं खेप। 35 टन की राहत और मेडिकल सप्लाई लेकर उतरा भारत का C-17 विमान। तुर्की में शुरू हुआ भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 30,000 के पार। तुर्की में लापता भारतीय विजय कुमार की मौत। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 इंडिया पर पल पल की खबर। जो मलबा है इसको हटा दिया जाए और उसके बाद फिर जो एनडीआरएफ की टीम है वो अंदर जाएगी और वो देखेगी कि कितने शव हैं या फिर कोई जिंदा शख्स भी अंदर फंसा हुआ। बागेश्वर धाम में कल से शुरू होगा 1 हफ्ते का महोत्सव। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए महायज्ञ का आयोजन। बागेश्वर धाम से आज निकली कलश यात्रा। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो सामाजिक सौहार्दता होगी, एकता होगी, न जातियां होगी पर जातिवाद होगी। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया।